watch it. अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो में सिर्फ दो मुस्लिम देश हैं। इनमें से पहला देश तुर्की है, जिसकी 99% आबादी मुस्लिम है, और दूसरा अल्बानिया, जिसकी आबादी 60% मुस्लिम है। दरअसल मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के नक्शे में तुर्की को एक ताकतवर देश माना जाता है और वो अमेरिका के काफी करीब है, जिस वजह से वो नाटो का सदस्य है। लेकिन जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से तुर्की के लोगों के भीतर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ काफी कड़वाहट देखी गई है, और अब ऐसा लगता है कि नाटो के भीतर ही अमेरिका विरोधी आंदोलन शुरू हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, दरअसल 2 सितंबर 2024 को तुर्की के इज़मीर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग दो अमेरिकी नौसैनिकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट करते हुए दिख रहे थे, और ये अमेरिकी सैनिक मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन आसपास खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी, तभी एक आदमी एक सैनिक के सिर पर एक सफ़ेद टोपी नुमा बैग पहना देता है, और इस दौरान ये भीड़ यांकी गो होम के नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को अमेरिका की 6th स्लीट मैरिन, जो यूएसएस व्हाट्सएप का हिस्सा है, उसने बयान जारी करके कहा था कि ये सैनिक अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इलाके में घूम रहे थे, तभी उनके ऊपर ये हमला किया गया। हालांकि तुर्की पुलिस ने इस मामले में 15 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि नाटो का हिस्सा होने के बावजूद तुर्की में अमेरिका विरोधी ये बवाल क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2024 को यूएसएस व्हाट्सएप युद्धपोत ने इज़मीर के तट पर अपना लंगर डाला था, और ये बड़ा अमेरिका और सहयोगियों की मदद के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात था। दरअसल तुर्की की वामपंथी पार्टी टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी तुर्की के तट पर मौजूद यूएसएस व्हाट्सएप का विरोध कर रही है। टीकेपी का कहना है कि हम अमेरिकी जहाज को यहाँ नहीं देखना चाहते हैं, जो युद्ध और फिलिस्तीनियों की मौत लेकर आया है। तुर्की में शुरू हुए इस अमेरिका विरोधी आंदोलन को एक लंबा इतिहास है। दरअसल यांकी गो बैक होम का नारा जो तुर्की में बुलंद हुआ है, इसकी शुरुआत शीत युद्ध के वक्त पूर्व जर्मनी से हुई थी। 28 मई 1950 को पूर्वी जर्मनी के युवाओं ने बर्लिन में एक मार्च के दौरान यांकी गो बैक के नारे वाला एक बैनर उठाया था। इस बैनर में एक सोवियत अधिकारी को अमेरिका की मार्शल योजना को अस्वीकार करते हुए दिखाया गया था, जो अमेरिका प्रभाव के व्यापक प्रतिरोध का प्रतीक था। और इसके बाद पूरी दुनिया में ये नारा अमेरिकी विरोध का चेहरा बन गया, और अब तुर्की में इस नारे का उठना अमेरिकी सेना के इलाके में भौतिक रूप से मौजूदगी के लिए खतरा है, बल्कि इलाके में अमेरिकी प्रभाव और उसके विदेश नीति के लिए भी ये खतरे की घंटी है। हालांकि बीते वर्षों में अमेरिका और तुर्की के रिश्ते में खटास आई है, वो इसलिए क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हमला किया था। उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हमास की निंदा करने से इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिका बार बार उससे ऐसा करने के लिए कह रहा था। और इसके बाद एर्दोगन ने अमेरिका पर गाजा में युद्ध अपराध और नरसंहार का भी आरोप लगाया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इसराइल को एक सेफ कवर दे रहा है। इसके अलावा तुर्की अमेरिका द्वारा सीरियाई कुछ को समर्थन देने को लेकर भी अमेरिका की आलोचना कर चुका है, और यही वजह है कि अब तुर्की धीरे धीरे अमेरिका से दूर जा रहा है और उसका रुख रूस की तरफ जा रहा है। हालांकि अमेरिका तुर्की को एक गैर विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखता है।